नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में 20 क्वेश्चन आप लोग को जीके जीएस से आएगा दोस्तों। जो टॉपिक वाइज आप लोग को जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, भाषा, लिपि, ये सबसे इत्यादि सबसे जो टॉपिक वाइज है उससे आप लोग को 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, समझ जाते हैं जीके जीएस समझे लेडी सुपरवाइजर का। तो चलिए बारीकी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि भारत की किस पड़ोसी देश में रुपया को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। कि बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत के किस पड़ोसी देश जो रुपये को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है दोस्तों। तो कौन नहीं करता है दोस्तों? तो कौन? पाकिस्तान। जबकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीनों देशों का मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। जबकि पाकिस्तान का मुद्रा रुपया नहीं है दोस्तों, समझे। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कौन सा रेशा फसल का उदाहरण है? तो ये चारों में से कौन सा एक रेशा फसल का उदाहरण है दोस्तों? जैसे जूट, जूट है, गन्ना, अलसी है, ये सब क्या रेशा फसल है दोस्तों? देखिए कपास है, मक्का है, तंबाकू है, ये क्या ये रेशा फसल है दोस्तों क्या? तो कपास, सन, जूट, ये रेशा फसल है। सन, कपास, मक्का। तो आप लोग को पता होगा कि रेशा फसल कौन कौन सा होता है दोस्तों। तो कौन सा? कपास होता है जो रेशम होता है, जो समझे कपास से बनता है दोस्तों, और सन और जूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन सा है? तो कपास, सन और जूट है। अब आते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों? तो किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का योगदान है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए ताम्रपर्णी नदी गिरती है तो कहाँ से गिरती है दोस्तों? ताम्रपर्णी नदी तो कहाँ से गिरती है ये आप लोग को पता होगा। तो कहाँ से गिरती है? मन्नार की खाड़ी से गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा क्या? 5 थी, 7, 11, 15। तो कितनी थी दोस्तों प्रारूप समिति का सदस्यों की संख्या? तो 7 थी। कितना थी? 7। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो देखिए निम्नलिखित में कौन एक समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है? तो आप लोग को पता होगा विवाह और तलाक या समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए थे? तो 1956 में जब पुनर्गठन हुआ तो भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों? तो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मालूम होगा दोस्तों। तो कितने थे दोस्तों उस समय? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब देखिए इसमें भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा है ना, को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों जिसमें से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्तों? तो कौन सा था? तो 21वां संविधान संशोधन जो 1969 ईस्वी को हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट,
अब देखिए दोस्तों, भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम है। सिक्किम क्या है दोस्तों कि पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है भारत में। तो नेक्स्ट देखिए, भारत में डोलोमाइट का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन है दोस्तों? तो भारत में डोलोमाइट का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन है दोस्तों? तो कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। अब देखिए, भारत का अन्य क्षेत्र मंडल है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? अन्य क्षेत्र मंडल कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये 200 समुद्री मील है। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कब मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो ये मनाया जाता है कब? 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो कहाँ खोला था दोस्तों? अपना दक्षिण भारत में जो अंग्रेज थे, जो पहला कारखाना कहाँ खोले थे? तो उन लोग कहाँ खोले थे? मसूलीपट्टनम में खोले थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? ये पर्थ है दोस्तों। क्या है? पर्थ। अब देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश सबसे करीब है दोस्तों? तो कौन सा देश सबसे करीब है दोस्तों? तो मालूम होगा आप लोगों को कौन है ये? तो इंडोनेशिया है। कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, सोमपेंस आदिवासी निवास स्थान है। तो इस आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कहाँ है, ये निकोबार में है। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति है ना, उसके लिए सदस्य कितने वर्ष निर्वाचित होते हैं दोस्तों? तो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट अब देखिए, 1857 के विद्रोह में कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था नेतृत्व दोस्तों? तो 1857 ईस्वी में तो कौन किए थे? ये गुलाब सिंह किए थे। कौन किए थे? गुलाब सिंह। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का वह खिलाफत आंदोलन किस गवर्नर के शासन काल में आरंभ हुआ था दोस्तों? तो किस गवर्नर के शासन काल में आरंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है। देखिए देखिए, 20वां क्वेश्चन है, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो कहाँ है? गुजरात में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।